तो दोस्तों आज हो गई है 11 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर मचा है घमासान। जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली से लेकर के यूपी तक और पश्चिम बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक कई जगहों पर हुआ है जबरदस्त प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग हुई है तेज। खबर बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी की नेता रही नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के मुस्लिम समुदाय में काफी गुस्सा है। अब ये गुस्सा एक बार फिर से सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर के अधिकांश मस्जिदों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नूपुर शर्मा नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर के विरोध जताया है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, लगातार मुस्लिम समुदाय में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर के गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा चुनाव नतीजे हुए हैं घोषित, कांग्रेस को राजस्थान में 3 तो बीजेपी को मिली है 1 सीट। सुभाष चंद्रा हारे हैं, बुरी तरीके से लगा है बीजेपी को तगड़ा झटका। खबर आप लोगों को बताते चलें, 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई। आप लोगों को बताते चलें, इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। और वहीं नतीजे बताते चलें, कर्नाटक में बीजेपी की निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के जयराम रमेश को यहां पर जीत मिली है। और वहीं बताते चलें आप लोगों को, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं, जबकि यहां पर बीजेपी के घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं और उन्होंने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी समर्थित निर्दलीय सुभाष चंद्रा की करारी हार हुई है इस चुनाव में। और यहाँ पर आप लोगों को बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि यह लोकतंत्र की जीत है और खरीद फरोख्त करने वाली भाजपा की हार है और ऐसे ही 2023 में भी भाजपा बुरी तरह से हारेगी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कर्नाटक के बेलगावी में 20 सड़क पर लटकाया गया है नूपुर शर्मा का पुतला। देश के कई हिस्सों में हुआ है जोरदार प्रदर्शन। खबर बताते चलें, देश के कई हिस्सों में विशेष समुदाय के द्वारा बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में फोर्ड रोड पर एक दरगाह के पास नूपुर शर्मा का पुतला लटका हुआ पाया गया है। आप लोगों को बताते चलें, देश के कई राज्यों में नूपुर शर्मा को लेकर के विरोध अब यहां पर तेज होता जा रहा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में यहां पर इस पूरे मामले की आग अब फैल चुकी है और लोग पूरी तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक नूपुर शर्मा की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये मामला ऐसे ठंडा होने वाला नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली और यूपी में जाकर के करो ये काम, पश्चिम बंगाल में आगजनी और हिंसा कर रही मजहबी भीड़ से बोली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, दिल्ली में जाकर के मांगो पीएम मोदी से इस्तीफा, पश्चिम बंगाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं है। खबर आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और लोगों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर के अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है। आप लोगों को बताते चलें,
ममता बनर्जी ने कहा है कि संकीर्ण सियासी लाभ के उद्देश्य से कुछ लोगों की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से हम नुकसान आखिर क्यों उठाएं। यूपी गुजरात में जाकर के विरोध करो। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वे पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं है, इसलिए यहां पब्लिसिटी के लिए विरोध ना करें, क्योंकि भाजपा ही लोगों को लड़ाने का काम करती है, इसलिए भाजपा के खिलाफ ही लोगों को विरोध करना चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं इस प्रकार के हिंसक विरोध का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती हूं। यदि आप सभी इतने ही नाराज हैं तो दिल्ली जाइए, वहां पर शांति से विरोध प्रदर्शन कीजिए और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगिए। आप यहां पर समस्या आखिर क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। मैं सभी से शांति बरकरार रखने और विरोध वापस लेने का आग्रह करती हूं। ये यहां पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं आरिफ मोहम्मद खान। रेस में चल रहा है सबसे आगे नाम, बीजेपी भी करती है पसंद। चुनाव आयोग ने भारत के अगले राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद अब मांग उठी है कि आरिफ मोहम्मद खान को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि आरिफ मोहम्मद खान इस पद के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। वह इस वक्त केरल के मौजूदा राज्यपाल हैं, आप लोगों को बताते चलें। वहीं बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती के नामों की भी चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर आरिफ मोहम्मद खान के नाम का समर्थन किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करवाया जा रहा है। यूजर्स कह रहे हैं कि क्या मोदी के कलाम बनेंगे आरिफ मोहम्मद खान। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसे ठीक करने में समय लगेगा। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा बयान आया है सामने। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा की इस टिप्पणी पर खाड़ी के देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूरे मामले को लेकर के बीजेपी डिफेंसिव मोड में है। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने दोनों ही नेताओं पर कार्रवाई की और दोनों को ही पार्टी से निकाल दिया, लेकिन यहां पर लगातार मांग तेज होती जा रही है दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारी की। और वहीं अब आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर के इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। हामिद अंसारी ने कहा है कि ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से धार्मिक मामले में गाली गलौज पर उतर आना गलत है। अगर हुआ है तो इसे ठीक करने में अब समय लगेगा और इसके तरीके हैं। और वहीं अरब देशों के विरोध पर हामिद अंसारी ने कहा है कि बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप कह दीजिए कि ये हमारी नीति नहीं है, कुछ लोगों ने ऐसी बात की है, हम नीति ठीक करेंगे और इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये यहाँ पर दो टूक कहना है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चीन भविष्य में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए नींव बना रहा है, इसे नज़रअंदाज करके मोदी सरकार देश के साथ गद्दारी कर रही है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। आप लोगों को खबर बताते चलें, लद्दाख में LAC के पास चीन के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथों ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन भविष्य में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए नींव बना रहा है और इसे नज़रअंदाज करके मोदी सरकार भारत के साथ गद्दारी कर रही है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने चीन के द्वारा लद्दाख में यहाँ पर किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर के भारत को चेताया है। अमेरिका ने कहा है कि लद्दाख में चीनी गतिविधियाँ आँख खोलने वाली हैं और कुछ ऐसा ढांचा चीन ने तैयार किया है जो कि खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है भारत के लिए। एक वरिष्ठ अमेरिकी जनरल ने ये बात यहाँ पर कही है, जिसके बाद यहाँ पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की उठी है मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी की है चिट्ठी। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले बीजेपी सदस्यों को पार्टी से सिर्फ निलंबित करने से ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ कड़ी सजा और कानून की मांग की है। इस चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिखा गया है कि इसने देश के सभी मुसलमानों को सख्त तकलीफ पहुंचाई है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी देश की प्रतिष्ठा को काफ़ी ठेस पहुंची है। इस पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से साफ तौर से यह लिखा गया है कि जघन्य अपराध करने वालों को पार्टी से निलंबित करना अच्छी बात है, लेकिन यह पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं जो विभिन्न धर्मों के आस्था के प्रतीक के अपमान को निंदनीय अपराध घोषित करता हो और उस पर तत्काल और उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। ये यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी करने को कहा है और लिखी है मोदी सरकार को चिट्ठी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।